चलिए तो हम लोग बात कर रहे थे सामान्य ज्ञान के बारे में। इसमें इतिहास टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं हम लोग। इतिहास में लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी भारत में यूरोपियनों का आगमन देखा था, ठीक है। आज हम बात करेंगे 1857 का विद्रोह, 1857 का विद्रोह। याद रखिए आपके जितने भी सामान्य ज्ञान से संबंधित चैप्टर खत्म होते जा रहे हैं और जितने आने वाले समय में खत्म होंगे वो सभी आपको एक जगह मिल जाएंगे। वो है आपकी अपनी सामान्य ज्ञान के नाम से प्लेलिस्ट सूची, सामान्य ज्ञान के नाम से प्लेलिस्ट सूची, याद रखिए। 1857 का विद्रोह एक महत्वपूर्ण विद्रोह था, याद रखिए। इससे एक ना एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है हर परीक्षा में। दिसंबर 1856 में सरकार ने पुराने लोहे वाली बंदूक ब्राउन बेस के स्थान पर नवीन इनफील्ड राइफल के प्रयोग का निर्णय लिया था। याद रखना इनफील्ड राइफल के प्रयोग का। 1857 के विद्रोह का मुख्य तत्कालीन कारण था चर्बी वाले कारतूस। पूछे जाएगा कि 1857 का विद्रोह का मुख्य कारण क्या था, तो आपको बता देना है चर्बी वाले कारतूस। 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था, कमल और रोटी। ये भी कई बार पूछा जा चुका है। 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था, तो आपको बता देना कमल और रोटी। 29 मार्च 1857 में बहरामपुर की 19वीं नेटिव इन्फेंट्री विघटित इसलिए कर दी गई क्योंकि सिपाहियों ने नई इनफील्ड राइफल का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था। 29 मार्च 1857, कब? 29 मार्च 1857 को 34वीं नेटिव इन्फेंट्री बैरकपुर के मंगल पांडे ने अपने सार्जेंट मेजर बाग की हत्या कर दी और मेजर सार्जेंट ह्यूरसन को गोली मार दी। तो याद रखना मंगल का पांडे आपके कौन से नेटिव से संबंधित थे, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री बैरकपुर से संबंधित, ठीक। मंगल पांडे ने 8 अप्रैल मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। कब? इस डेट को भी याद रखना, 8 अप्रैल 1857 को। चर्बीयुक्त कारतूस का प्रयोग ना करने के कारण 9 मई 1857 को उड़ी के घुड़सवार रेजिमेंट के 85 सैनिकों को मुअत्तल कर 10 वर्ष की सजा दी गई है। 1857 के महान विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से हुई थी। इस डेट को याद रखना है। 1857 के महान विद्रोह की शुरुआत कब से हुई, 10 मई 1857 को, कहाँ से, मेरठ से। 11 मई 1857 को बहादुर शाह द्वितीय को भारत का बादशाह घोषित किया गया। चपातियों और कमल के फूलों को भिन्न भिन्न स्थानों पर भेजना 1857 का विद्रोह का सचेत योजना का परिणाम था। अब कुछ 1857 का विद्रोह के कुछ अन्य नाम दिए गए अपने अपने हिसाब से हर इतिहासकार ने दिए, जैसे आपके सर जॉन लॉरेंस एवं सीले हैं। ये अंग्रेज थे, सर जॉन लॉरेंस एवं सीले। इन्होंने कहा कि सैनिक विद्रोह है, सिपाही विद्रोह है। बीडी सावरकर थे जो, इन्होंने कहा यह एक सुनिश्चित राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम है। जेम्स आउटम डब्ल्यू टेलर ने कहा कि अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू एवं मुसलमानों का षड्यंत्र। एस एन सेन ने कहा यह स्वतंत्रता संग्राम है। टी आर होम्स ने कहा बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध है। टी आर होम्स ने क्या कहा, बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध है। आर सी मजूमदार ने क्या कहा, ना तो यह राष्ट्रीय ना ही स्वतंत्रता संग्राम है। एल ई आर रिज, धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध है। बेंजामिन डिजराइली, यह एक राष्ट्रीय विद्रोह है। याद रखिए अंग्रेज हमेशा आपकी बुराई करेंगे इस समय, तो देखिए जैसे एल ई आर आर रिज ने क्या कहा, धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध है। यहाँ आपके टी आर होम्स ने क्या कहा था, बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध है, क्योंकि इनकी हर समय मंशा रहती थी कि भारत को नीचा दिखाया जाए।
और अभी भी कोई भी इंसान हो, आपको अगर नीचा दिखाने की कोशिश करे तो वो देखना कि वो किसी भी हद तक गिर सकता है आपकी बुराई करने के लिए। तो यही तो उस समय चलता था। आगे बात करते हैं, कुछ भारतीय नायक देख लेते हैं इस विद्रोह के, और समय देख लेते हैं विद्रोह का, एक केंद्र देख लेते हैं, ब्रिटिश नायक देख लेते हैं विद्रोह दबाने वाले, और समय देख लेते हैं जब ये विद्रोह दबाया गया। बहादुर शाह जाफर, इससे बहुत ही महत्वपूर्ण है, पता है इससे हर बार पूछा जाता है क्वेश्चन। कैसे पूछा जाता है? बहादुर शाह जाफर कहाँ से संबंधित थे या दिल्ली का नेतृत्व किसने किया, इस तरह से क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। तो बहादुर शाह जाफर और बख्त खां, सैन्य नेतृत्व बख्त खां ने सैन्य नेतृत्व किया था। इन्होंने, इनका केंद्र था दिल्ली। दिल्ली का नेतृत्व किसने किया इस समय? बहादुर शाह जफर और बख्त खां ने। ये हुआ आपका, समय था इसका 11 से 12 मई 1857 को। विद्रोह के दबाने वाले ब्रिटिश नायक का नाम था जॉन निकल्सन और हडसन। इन्होंने 20 सितंबर 1857 को इस विद्रोह को दबा दिया। क्या कर दिया? दबा दिया, कुचल दिया। फिर है आपका कानपुर। कानपुर में जो विद्रोह हुआ इसका नेतृत्व किया था नाना साहब ने और तात्या टोपे ने, 5 जून 1857 को। यहाँ के विद्रोह दबाने वाले ब्रिटिश नायक का नाम था सर कैंपबेल। इसने 6 दिसंबर 1857 को इस विद्रोह को दबा दिया। लखनऊ, लखनऊ में ये विद्रोह हुआ 4 जून 1857 को। इसका नेतृत्व किया आपका बेगम हजरत महल साहब ने। किसने? बेगम हजरत महल साहब ने। इसे विद्रोह को दबाने के लिए ब्रिटिश नायक था कैंपवेल। इसने 5 मार्च 1858 को इस विद्रोह को दबा दिया। बात करते हैं झांसी और ग्वालियर। कहाँ? झांसी और ग्वालियर। इसका नेतृत्व किया आपकी रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे ने, जून 1857 को। यहाँ ब्रिटिश नायक था विद्रोह को दबाने वाला हिवरोज। इसने 3 अप्रैल 1857 को और 17 जून 1857 को इस विद्रोह को दबा दिया। इलाहाबाद बनारस, क्या? इलाहाबाद बनारस। ऐसा यहाँ के आपके नेतृत्वकर्ता थे लियाकत अली, जून 1857 को। कर्नल नील यहाँ का दबाने वाला ब्रिटिश नायक था 1858 में। ठीक है, और फिर बात करते हैं आपके बरेली रोहिलखंड। यहाँ के थे आपके नेतृत्वकर्ता खान बहादुर खां, 1857 में। यहाँ का विद्रोह को दबाने वाला ब्रिटिश नायक था कैंपवेल, 1858 में। फैजाबाद यहाँ के नेतृत्वकर्ता थे मौलवी अहमदुल्ला खां, 1857 में। जनरल रेनार्ड ने इस विद्रोह को दबाया 1858 में। फतेहपुर के थे आपके 1857 के नेतृत्वकर्ता अजीमुल्ला। इसे विद्रोह को दबाने का कार्य किया जनरल रेनार्ड ने 1858 में। जगदीशपुर बिहार के नेतृत्वकर्ता थे, 1 अप्रैल 1858 में हुआ ये, कुंवर सिंह। यहाँ के नेतृत्वकर्ता थे विद्रोह को दबाने वाले ब्रिटिश नायक विलियम टेलर मेजर बीसेंट आयर, दिसंबर 1858 में। आगे बात करते हैं, बहादुर शाह सेकंड, बहादुर शाह द्वितीय की पत्नी जीनत महल संदेश वाहक के रूप में अंग्रेजों की सहायता कर रही थी। नाना साहब का असली नाम धोंदू पंत था। नाना साहब का असली नाम क्या था? धोंदू पंत। 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, धार्मिक अयोग्यता अधिनियम एवं सेना भर्ती अधिनियम लागू हुआ। 1857 के विद्रोह के समय यूरोपीय एवं भारतीय सैनिकों का अनुपात 1:6 था। इनफील्ड राइफल ब्राउन बेस बंदूक के स्थान पर लाई गई थी। इनफील्ड राइफल किस बंदूक के स्थान पर लाई गई थी? ब्राउन बेस। फैजाबाद में विद्रोहियों का नेता मौलवी अहमदुल्ला थे। मौलवी अहमदुल्ला दुल्ला मद्रास के रहने वाले थे। मद्रास इस विद्रोह से अछूता था। मद्रास आपका इस विद्रोह से अछूता था।
1857 के विद्रोह में व्यापारी, शिक्षित वर्ग तथा भारतीय शासक वर्ग शामिल नहीं हुआ। कौन कौन? व्यापारी भी आपके शामिल नहीं हुए, शिक्षित वर्ग भी शामिल नहीं हुआ, भारतीय शासक वर्ग भी शामिल नहीं हुआ। बहादुर शाह सेकंड को हुमायूं के मकबरे से पकड़ा गया था। बहादुर शाह द्वितीय को बंदी बनाकर रंगून निर्वासित किया गया था। विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था, इसे भी याद रखना है। पूछ लेता है विद्रोह के समय 1857 के विद्रोह के समय भारत का वह गवर्नर जनरल कौन था, तो आपको बता देना है लॉर्ड कैनिंग। बिहार में जगदीशपुर आरा के कुंवर सिंह ने बगावत का नेतृत्व किया। विद्रोह के समय कुंवर सिंह को बिहार का सिंह कहा जाता था। पटना के कमिश्नर विलियम टेलर थे। तत्या टोपे और अजीमुल्ला खान नाना साहब के विश्वस्त सैनिक थे, सेवक थे। तत्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद पांडुरंग था, ये भी बहुत बार पूछ लेता है नॉर्मल क्वेश्चन से। तत्या टोपे का नाम क्या था, वास्तविक नाम रामचंद पांडुरंग। नाना साहब नेपाल भाग गए थे इस समय। तत्या टोपे को उसके विश्वसनीय मित्र मानसिंह ने धोखे से पकड़वा दिया था। निकलसन को दिल्ली में मार दिया गया था, इस समय दिल्ली को में निकलसन को मार दिया गया था। लखनऊ में 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजी रेजिडेंसी की रक्षा करते हुए सन हेनरी लॉरेंस और मेजर जनरल हेवलाक तथा जनरल नील की मृत्यु हुई थी। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु पर जनरल हिवरोज ने कहा था कि भारतीय क्रांतिकारियों में यहाँ सोई हुई औरतें औरत अकेली मर्द हैं। क्या कहा था रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु पर जनरल हिवरोज ने क्या कहा था भारतीय क्रांतिकारियों में यहाँ सोई हुई औरत अकेली मर्द है। रानी लक्ष्मीबाई 17 जून 1858 को एक घोड़े पर सवार होकर लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गई थी। लेफ्टिनेंट हर्षन ने जीवन वक्त को छोड़कर बहादुर शाह के सभी पुत्रों को गोली मार दी थी। लखनऊ में विद्रोहियों का नेतृत्व बेगम हजरत महल कर रही थी। यहाँ के विद्रोह को कॉलिन कैंपवेल ने दबाया था। महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली वाराणसी है और समाधि स्थल ग्वालियर है, इसे याद रखना है क्योंकि कई बार पूछ लेता है। महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ, वाराणसी में, और समाधि स्थल कहाँ है, ग्वालियर में। ब्रिटिश कंजर्वेटिव पार्टी के सांसद बेंजामिन डिजराइली ने 1857 के विद्रोह के बारे में कहा था, यह एक राष्ट्रीय विद्रोह है। 1857 के विद्रोह का प्रशासनिक परिणाम शक्ति का अंतरण था। ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश सम्राट सर सैयद अहमद खान ने 1857 के विद्रोह के कारणों का विश्लेषण करते हुए कहा कि अंग्रेजों तथा मुसलमानों के बीच मेल मिलाप की वकालत की। अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक आपके सर सैयद अहमद खान थे। अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे, तो आपको याद रखना है सर सैयद अहमद खान। अलीगढ़ आंदोलन का मुख्य उद्देश्य मुसलमानों को अंग्रेजी शिक्षा देकर उन्हें अंग्रेजी राज्य का भक्त बनाकर नौकरियों में आधिकारिक आरक्षण प्राप्त करना था। क्या था, आधिकारिक आरक्षण प्राप्त करना था। बात कर लेते हैं अलीगढ़ आंदोलन, कौन सा अलीगढ़ आंदोलन। मिर्जा गालिब 1857 के विद्रोह को देखा था इन्होंने। इनका जन्म मिर्जा गालिब का 1796 के आगरा में और मृत्यु हुई इनकी 1869 को दिल्ली में। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, विस्कॉन्ट पामर्स्टन, ठीक है। भारत का गवर्नर था केनेन। 1857 का विद्रोह असफल रहा मुक्ता योजना एवं केंद्रीय संगठन के कारण। 1857 का विद्रोह क्यों असफल रहा था, क्योंकि योजना एवं केंद्रीय संगठन का अभाव था इसमें। 1857 के विद्रोह के बाद कंपनी की शासन प्रणाली को समाप्त कर भारत का शासन सीधे क्राउन के अधीन कर दिया गया था। बात करते हैं सैनिक विप्लव और असैनिक विद्रोह का प्रसार 1857-58 में। 2 फरवरी 1857 में 19वीं स्थानीय पैदल सेना बहरामपुर विप्लव। 10 मई 1857 को मेरठ में सैनिकों का विप्लव। 11 से 30 मई
1857 को दिल्ली, फिरोजपुर, बंबई, अलीगढ़, इटावा, बुलंदशहर, नसीराबाद, बरेली, मुरादाबाद आदि उत्तर प्रदेश के नगरों में विद्रोह का आरंभ हुआ। मुगल सम्राट को भारत का सम्राट घोषित किया गया। जून 1857 में यह ग्वालियर, भरतपुर, झांसी, इलाहाबाद, सुल्तानपुर, लखनऊ आदि में फैला। राजपूताना मध्य भारत एवं बंगाल के कुछ भागों में असैनिक विद्रोह हुआ। फिर आता है जुलाई माह। जुलाई में यह सागर, महू और सियालकोट जैसे पंजाब के कुछ स्थानों पर पहुंचा। अगस्त 1857 को सागर एवं नर्मदा घाटी में असैनिक विद्रोह हुआ। सितंबर 1857 को दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार, मध्य भारत में विद्रोह हुआ। अक्टूबर 1857 को कोटा राज्य में विद्रोह। दिसंबर 1857 को सर कॉलिन कैंपबेल द्वारा कानपुर को जीतना और तथ्य टोपी को का भागना यहाँ से। मार्च 1858 को लखनऊ पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। अप्रैल 1858 को अंग्रेजों का झांसी पर अधिकार हो गया। बिहार में जगदीशपुर के कुंवर सिंह द्वारा विद्रोह किया गया समय। फिर आता है मई। क्या है? मई 1858 को बरेली, जगदीशपुर, कालपी पर अंग्रेजों का अधिकार। रोहिलखंड में भारतीय विद्रोहियों के छापामार आक्रमण। जुलाई से दिसंबर 1858 को संपूर्ण भारत में अंग्रेजी सत्ता पुनः स्थापित हो गई। ठीक है, बात करते हैं आगे 1857 के विद्रोह से संबंधित जो पुस्तकें लिखी गई हैं, पुस्तकें देखते हैं, उनके लेखक देखते हैं। ये आपके लेखक हैं, ये पुस्तकें हैं। एस एन सेन ने लिखी 1857। क्या लिखी? 1857। पुस्तक किसने लिखी? एस एन सेन ने। पीसी जोशी ने अपने रिविलियन 1857 लिखी। एच पी चट्टोपाध्याय साहब ने लिखी द सपोर्ट म्यूटिनी ऑफ 1857। ए टी एम्बरी ने लिखी 1857 इन इंडिया। आर सी मजूमदार ने लिखी द सपोर्ट म्यूटिनी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857। एस बी चौधरी साहब ने लिखी सिविलियन रिविलियन इन द इंडियन म्यूटिनी नीच 1857-59 लिखी। थ्योरीज ऑफ द इंडियन म्यूटिनी 1857 लिखी। इनने ये तीन बुक लिखी। मौलाना अबुल ने 1857 ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब ने लिखी। बीडी सावरकर ने फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस लिखी थी। अशोक मेहता साहब ने लिखी थी द ग्रेट रिविलियन। अशोक मेहता साहब ने द ग्रेट रिविलियन लिखी थी। ठीक है, तो ये था आपका 1857 का मुख्य विद्रोह। आगे हम लोग बात करेंगे नागरिक एवं गैर आदिवासी विद्रोह। ठीक।